मुझे खुशी है मेरे कुलीग जो मेरे साथ एमएलए रहे, एमएलए पुंछ से थे ये, जिस पिछली असेंबली में हम कटे थे, ये भी पीडीपी में थे उस वक्त, आज इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि हम साथ ही फिर कटे काम करेंगे और इलाके पुंछ में जो हमारे लोग हैं उनकी खिदमत बदस्तूर जारी रखेंगे। मैंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में पहला अगर किसी ज़िले में वक्त दिया वो पुंछ था, जब मुझे इंचार्ज बनाया गया। मुझे यकीन है कि लोगों को याद हो गए, तो खिदमत हम लोगों ने वहाँ मिलके मैंने और तांत्रे साहब ने लोगों की और उसी परफॉर्मेंस पे, उसी खिदमत पे हम लोगों के पास फिर जाएंगे और ताकि वो अपना भरोसा हम पे फिर रखें, ताकि आगे जो दौर हमने तरक्की का शुरू किया था उसको पाए तक पहुँचाएँ। पुंछ के लोगों को मुबारकबाद ही देता हूँ कि आज हम फिर सब इकट्ठे हुए हैं उनकी खिदमत के लिए। 18 जून जुलाई में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, नदौलखी साहबा ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो उस वक्त ये इंदिया जाहिर किया था, बल्कि लिख कर दिया था कि इस स्टेट में अगर कोई वाहिद शख्सियत है हर दिल अजीज़ तो वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो हम सब ने ये लिख कर दिया था उस वक्त कि अल्ताफ़ बुखारी साहब डिज़र्व्स टू लीड द स्टेट। तो मैं उसी को इंडोर्स किया, मैं भी आज वही कह रहा जो उन्होंने कहा था कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ही एक वाहिद शख्सियत है, हर दिल अजीज़ शख्सियत जो इस रियासत की आगे के लिए मुस्तकबिल में सरबराही कर सकते हैं और इस स्टेट को इस मजदार से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू सर, डिजर्व्स। थैंक यू।